फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कीको और उसके फ्रेंड्स स्कूल ट्रिप पर वंडर आइलैंड जा रहे थे और वे सब पहली बार हवाई सफर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें टुनटुना और झुनझुना मिलते हैं, जिसका गिटार कीको टूटने से बचाता है और फिर प्लेन उड़ता है और टुनटुना और झुनझुना सबके सामने आकर अपना म्यूजिक बजाने लगते हैं। कुछ देर तो सब कुछ ठीक था, फिर कुछ देर बाद वह अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में से सबके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने ये प्लान हाईजैक कर लिया है। फिर क्या था, अपना कीको उनके पास आता है और उन्हें अच्छा मजा चकाता है। फिर सभी को लगता है कि सिचुएशन अब ठीक है, तभी प्लेन के पास दो फाइटर प्लेन उड़ने लगते हैं। तब टुनटुना बताता है कि ये फाइटर प्लेन हमारे ही हैं और अपने आदमियों को बच्चों को डराने के लिए कहता है। तब ढोलकी, जो कि फाइटर जेट उड़ा रहा था, प्लेन को नुकसान पहुंचाता है। तब टुनटुना कीको से अपनी गम्स वापस ले लेता है और जब कीको उनसे हाईजेक करने का कारण पूछता है तब वह बताता है कि हम हमारे मास्टर गोगो को जेल से रिहा करवाना चाहते हैं। और कीको से मेयर अंकल के पास फोन करवाता है और अपनी कंडीशन बताता है। तब अपने मेयर अंकल बैंड मास्टर गोगो को बुला लेते हैं रिहा करने के लिए। इधर कीको प्लेन में जगह कम होने की वजह से अपनी सुपर स्पीडो को नहीं बुला पा रहा था, इसलिए वह आइडिया लगाकर प्लेन से बाहर आ जाता है और फिर सुपर स्पीडो को बुला लेता है और अपना सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 804 लगाकर प्लेन के जैसे उड़ने लगता है और फिर वे फाइटर जेट का सामना करने लगते हैं और फॉर्मूला नंबर 445 लगाकर उनकी रॉकेट्स को गम से चिपका देते हैं और फिर उन दोनों फाइटर जेट्स को आपस में ही भिड़वा देता है और उन दोनों जेट्स को उड़ाने वाले जासूस झटपट के पैरों में जाकर गिरते हैं। इधर मेयर अंकल मास्टर गोगो की रिहाई की तैयारी भी कर लेते हैं और अपना कीको प्लेन के अंदर लोगों की जान बचाने के लिए वापस अंदर जाता है और टुनटुना और झुनझुना को अच्छी पटकनी देता है। तभी पायलट आकर बताते हैं कि प्लेन के आगे का टायर खराब हो गया है और प्लेन को जल्दी ही लैंड करवाना है क्योंकि इसमें फ्यूल भी खत्म हो गया है। ये सुनकर टुनटुना और झुनझुना तो अपने पैराशूट लगाकर नीचे कूद जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं और सीधे जासूस झटपट के सामने आकर गिरते हैं। इधर कीको सभी को बचाने के बारे में सोचता है, शायद सुपर स्पीडो प्लेन के व्हील्स को सही कर दे। सुपर स्पीडो काफी कोशिश करता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। फिर उनके पास लास्ट सॉल्यूशन यही बचता है कि वे प्लेन को लैंड करवाएं और सुपर स्पीडो व्हील्स का काम करें। और वे ऐसा ही करते हैं, प्लेन को सक्सेसफुल लैंड करवा देते हैं और सभी सेफ थे। इस तरीके से कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।